हेलो गाइज, आज मैं अपना घर दिखाता हूँ आप सबको कि मेरे घर का पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ आप लोगों को। देख रहे हो ना, आप पूरा घर पे नज़ारा दिखा देता हूँ आपको। देख रहे हो आप इसमें, और ये मेरी माँ है ना, खाना बना रही है चूल्हे पे, रोटी बना रही है। देखो घर पे किस तरीके से रोटी बना रही है, लकड़ी लगा रखी है और एक हाथ में रोटी भी है, तीन तीन रोटी संभाल रही है। देख लो, एक रोटी नहीं, एक किसी हम घर पे या कहीं रूम पे कहीं पे भी रोटी बनाने लग जाएंगे, कोई भी रोटी बनाएगा, असल में गैस पे भी नहीं बन पाएंगी तीन रोटियां इकट्ठी। ये देखो चूल्हे पे लकड़ी भी लगा रखी है, ये देखो, और उस रोटी को कैसे सेक रही है, ये भी इसको उठाएगी और ये अंदर रख दी, ये तवे पर डाल देगी इसको। ये देखो क्या क्या मटेरियल ले रखा है वो दिखाता हूँ आपको मैं थोड़ा। हाँ, ये क्या बना रखे हैं, चटनी बना रखी है, चटनी किस चीज की है, टमाटर, हरी मिर्च, टमाटर, धनिया। हरी मिर्च और धनिया है। हाँ, अच्छा, काफी किस चीज में बनाई, कुंडी बनाई क्या, कुंडी छोटा बना। कुंडी छोटा बनाई। और ये रोटी रख दी, मक्खन रख दिया है, और ये पूरा देख रहे हो ना, मक्खन है पूरा इसमें, इसमें ये ओट केस है, और ये रोटी बना रही हैं वो इस तरीके से, देसी, बिल्कुल देसी तरीके से रोटी बना रहे हैं। यहाँ देख रहे हो ना, तो इसके बगल में मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। ये बिल्कुल इन्होंने मिट्टी का ना चूल्हा बनाया हुआ है, और उसमें ऊपर तवा रखा हुआ है, और उसके अंदर वो बना रखा है, ठीक है ना। और एक ये आरा बोलते हैं इसको, आरा, इसके अंदर कुछ भी पानी गर्म करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं इसमें। अगली वीडियो में लेकर आऊँगा ना, खिचड़ी बनाते हुए लेकर आऊँगा, इसमें आरे में ना खिचड़ी बनाते हैं, बाजरे खिचड़ी, बहुत टेस्टी होती है। आज तो मैं नहीं खा पाया, आज टाइम नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं खिचड़ी नहीं खा पाया, खिचड़ी नहीं खा पाया। और ये लस्सी है, पूरा जग भरा हुआ लस्सी का, अपनी भैंस भैंस है, वो भैंसों का तबेला, और दिखाऊंगा आपको। ये अपना ना जग रखा हुआ है, इसके अंदर लस्सी है, और ये मेरे पिताजी हैं जो लस्सी लेकर आए हैं वहाँ से, भैंसों के वहाँ से, बिलोनी बोलते हैं उसमें से लस्सी लेकर आए हैं। और ये रोटी काफ़ी अच्छी बना दी, दिखा ना, रोटी अच्छी बना दी है, काफ़ी बढ़िया रोटी, देखो कितनी करारी चूल्हे की रोटी, देखो कितनी मज़ेदार रोटी है, काफ़ी अच्छी रोटी बना रखी है। और चूल्हे पे ऐसे आग लगा रहे हैं, पूरा नज़ारा देखो, अच्छी रोटी बना रहे हैं, बेलन से, लोगों से बेलन से नहीं बनती है। ये देखो देखो, बिल्कुल बिल्कुल उस तरीके से अच्छी ही रोटी बना रहे हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, देखो आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी आपको रोटी की, देखो बहुत बढ़िया तरीके से नज़ारा कर रखा है, बहुत बढ़िया है। चलो थैंक्स दोस्तों, आज मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा आपके लिए। अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मैं बिल्कुल नेचुरल चीज़ें दिखाऊंगा अपने जो गाँव की, जो है ना बिल्कुल नेचुरल चीज़ें होती हैं वो दिखाऊंगा आपको। ये ना रोटियां बनाने की, आज तो आज गेहूँ आ गई, ये मेरी माँ ने है ना तुलसा लगाई हुई है, इस पर बड़ी पानी डालती हैं, कोई इसमें नहाकर ही इसको छू सकते हैं, कोई पानी नहीं डालता, बगैर नहाए इसमें पानी डालने देते हैं, इनका पुराने उसके हैं भाई, टाइम के आदमी हैं। देखो ये छोटा छोटा मरुआ लगा रखा है, पुदीना लगा रखा है, और ये शिव जी की मूर्ति भी रखी हुई इन्होंने, और तुलसा है, और इन्होंने काफी वो बना रखा है, बढ़िया घर पे ही मतलब इनकी पूजा पाठ करते रहते हैं, मतलब पुराने टाइम के आदमी हैं।